हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं दोस्तों डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग डेली सुबह जो है वो 7 बजे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि हम लोग कवर करते हैं। और होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो अपनी क्लासेस में रेगुलर जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी डे बाय डे नॉलेज है जो कि देश दुनिया में जो भी हो रहा है उन सभी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो सुबह के 7:10 है जो कि हो चुके हैं और 7 बजे क्लास है जो कि डेली अपन करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देख रहे होंगे। ओके, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 4th ऑफ अगस्त है, सुबह के 7:10 हो चुके हैं और डेली करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह बहुत कुछ है जो कि सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, देश में दुनिया में क्या हो रहा है, क्या फैक्ट्स है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या होने वाला है, सब कुछ है जो कि हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, उनको देख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं आज के अपना न्यूज़पेपर। जाने से पहले देखे जाऊंगा आपको कुछ सवाल और साथ में एक फन फैक्ट, दोनों चीजें आपको अवेलेबल करवा के जाऊंगा। ठीक है गाइस, ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कल मैंने आपसे पूछा था कि मोनोजाइड जो है वो किस राज्य में डिपॉजिट है जो कि इसके देखने को मिलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 7 नहीं 7:10 पे स्टार्ट होती है। हाँ बिल्कुल यार, 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो होते ही है। हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत और कंटेंट ऐड कर लो, थोड़ा सा और ऐड कर लो, चलो ठीक है इसको कन्वर्ट कर लो, इसको हिंदी में भी दे दो, इसको ये भी कर लो। तो इसकी वजह से मैं क्लास का जो आपका कंटेंट है ना, वो मैं पहले 6 बजे जो है वो मैं क्लोज किया करता था, अभी मैं 7 बजे क्लोज करता हूँ। 5 मिनट जो है मुझे सेटअप करने में लग जाते हैं, स्टार्ट करने में, पीपीटी स्टार्ट करने में, सब कुछ करने के अंदर, यहाँ पे चेक करने के लिए एक बार मैं टेस्टिंग भी कर लेता हूँ कई बार, है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 आपको राज्य नजर आ रहे होंगे और चारों ही राज्य के अंदर जो है आपको मोनोजाइट है जो कि देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे फ्रीडम के बारे में बात करी थी, फ्रीडम टू अलाउ एयरलाइंस। तो मैंने आपको 9 तरीके की फ्रीडम थी, हमने बात भी करी थी, जो 5वीं और 6ठी फ्रीडम होती है वो थर्ड कंट्री के अंदर जो है एयरलाइंस को ले जाने की बात करती है। स्काई, ओपन स्काई पॉलिसी इंडिया की और अक्रॉस द वर्ल्ड चलती है। सेकंड वाले के अंदर जो है वो 1 कंट्री टू 1 कंट्री और वापस लेके जाना उस बंदे को, इसको लेकर है। तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर है जो कि होना चाहिए। 5वीं और 6ठी स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई और यहाँ पे दूसरी स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई। यहाँ पे मैंने आपके प्रोजेक्ट और मिनिस्ट्री के बारे में बात करी थी। तो देखिए, आपको एक थोड़ा कॉमन सेंस है जो कि कई बार क्वेश्चन में लगाना होता है, ये 2014 का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। अब यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट नोट करोगे तो किसी को भी पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी योजनाओं के मंत्रालय याद हो, नहीं है पॉसिबल। लेकिन आप कॉमन सेंस लगा सकते हो जब हम लोग बात करते हैं सूखे वाले एरिया की, समझ गए। तो सूखे वाले एरिया की कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, गाँव के अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहीं पे होता है। अब गाँव की समस्याओं को कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एरिया प्रोग्राम एग्रीकल्चर देखेगा या फिर रूरल डेवलपमेंट देखेगा। अरे भाई, मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट का बनाया इसलिए गया है गांव की समस्या देखने के लिए, तो यहां पे ये मंत्रालय होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। डेजर्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ये वाला काम भी रूरल डेवलपमेंट का है क्योंकि ये भी गांव से संबंधित है, ये वाला भी गलत हो गया। पहला दूसरा गलत, तो ये भी गलत। ऑप्शन बचा बी और डी। तीसरी की बात करते हैं वाटर शेड के बारे में, तो वाटर शेड जो है वो रूरल डेवलपमेंट नहीं देखेगा, वाटर शेड जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, तो ये वाला काम होगा एग्रीकल्चर का। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन जो है ना, समझ गए मेरी बात, ये जो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपके आंसर निकलने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़िया होती है। H1N1 वायरस के बारे में बात करें, वापस से दोस्तों इंडिया में केरला में दस्तक दे चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाइन फ्लू, तो डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आरएएस के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, आपके लिए क्लास 24 आरएएस नाम का एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, जहां पर दिन की 10 क्लासेस है जो सिर्फ और सिर्फ आरएएस के विद्यार्थियों के लिए ही जो है दोस्तों स्टार्ट करी गई है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट है जो कि वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास 24 की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका गोल है, जैसे कि आप रेलवे की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, रेलवे में जाइएगा, ग्रुप डी में जाइएगा, उसके बाद में ये सारे के सारे टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और अपनी रेलवे की प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आज के कोट ऑफ द डे को लेकर। 1 key to success इज टू हैव लंच एट द टाइम ऑफ द डे, मोस्ट पीपल हैव ब्रेकफास्ट। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है कि एक
सक्सेस के लिए ऐसा कोई कंपलसरी कुछ नहीं होता दुनिया में कि आपको सुबह ही जागना पड़ेगा, रात को ही जागना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कोई सुबह काम करता है, कोई रात को काम करता है, ये अपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा एज जो है वो हमेशा उन बच्चों को मिलता है जो कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो काम करते हैं जो कि उनको लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि होता है। समझ गए? तो वन ऑफ द की टू सक्सेस क्या होती है कि जब लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं ना, तब तक आपको 4-5 घंटे हो चुके होते हैं, तो आप लंच की सोच रहे होते हो। ओके, तो उस तरीके से जो है इस बात को यहाँ पे बोली गई है ना कि आप सुबह 4-5 घंटे हो चुके होते हैं, जब लोग 9-10 बजे सो के उठते हैं तब आपको काफ़ी टाइम हो चुका है अगर आप 5 बजे सुबह उठ रहे हो। तो कोशिश क्या करो कि सुबह जल्दी उठ के जो है वो प्रिपरेशन कर पाए, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर पाए, इससे आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू एड ऑन होगी। देखो यकीन मानो सुबह उठने में जोर बहुत आता है, सबको आता है, मेरे को भी आता है, सबको आता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई सुबह उठते ही अरे वाह वाह क्या बात है सुबह उठ गया मैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, बुरा लगता है सोना दुनिया में। मुझे लगता है कि इंसान अपने 1/3 टाइम जो है पूरी पूरी ज़िंदगी का सोने में गुजार देता है, इसलिए आदत होती है सोने की, और वो जितनी ज़्यादा उसको मिले उसके लिए उसको अच्छा ही लगता है ना। ठीक है, चलिए। लेकिन कोशिश करो यार, देखो कोशिश करने वालों की जीत होती है, ये रियलिटी है ना। लेकिन सुबह सुबह स्ट्रगल करो, सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ तक होती है जब तक आप एक बार पानी नहीं डालो अपने फेस पर। जिस दिन जैसे आपने पानी डाल दिया आपके फेस पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो कोशिश क्या करो, सुबह उठते ही सिर्फ जाते पानी मुँह पे फेंक दो, काम हो जाएगा आपका। इतनी सी दूरी का जो है वो पूरा गेम होता है कि क्या आपने और आपका वो वैसे होता है ना, कार्टून देखते थे ना, एक ब्लैक कलर का आदमी निकलेगा यहाँ से, एक व्हाइट कलर वाला बोलेगा अरे पढ़ ले जिंदगी और कुछ नहीं बचा है, पढ़ाई बची है, कर ले। दूसरा वाला बोलेगा अरे सो जा ना, तो दूसरे वाले को ब्लैक वाले को हराना होता है आपने को डे बाय डे, डेली सुबह ये काम होता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 1 के बारे में। दैनिक के फर्स्ट पेज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक पैनल बनाने के लिए बोला है फ्रीबीज इशू को लेकर। आपको मालूम है इंडिया की सारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हो या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, है ना, तो फ्री में जो वादे होते हैं, जो फ्रीबी इश्यूज होते हैं, उनको लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर है। मैंने आपको कुछ दिन पहले रिकॉर्ड भी बताया था सारे राज्यों का कि कौन सा राज्य कितने कर्जे के अंदर है, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो फ्री देने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश की और राज्य की जो इकोनॉमिक स्टेट है वो खराब नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेट अच्छी है तो आप बांटो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई इशू नहीं है, है ना। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल है जो कि बनाने के लिए बोला है, इसके बारे में थोड़े बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत डाटा दिया है दोस्तों इकोनॉमिक द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो इंडियन एक्सप्रेस का डाटा इसके साथ में मर्ज करके आपको दिखाने वाला हूं, समझ गए। दूसरा, यहां पे दोस्तों चाइना ने जो है वो थोड़ा प्रेशर है जो कि ताइवान के ऊपर डालने की कोशिश करी है, भयंकर मिलिट्री ड्रिल से जो कि चाइना कर रहा है। चाइना का दिमाग खराब हो गया कि मैंने तो धमकी दी थी, मेरी धमकी मानी नहीं गई, ऐसे इतने प्यार से इग्नोर करके जो नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान के अंदर पहुंच गई, वहाँ की स्पीकर है यूएस की, और अपने साथ में 24 फाइटर जेट लेके गई थी वो कि अगर कल को कोई बात हो जाए, चाइना ने मान लो अपनी बात रखने के लिए अटैक किया, कुछ भी किया, तो 24 फाइटर प्लेन जो है वो साथ में लेकर सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो पहुंच गई। मतलब इसको भी जान का कोई वो नहीं है, मतलब अपने अलग ही लेवल के ऊपर चल रही है प्रॉब्लम। अब ताइवान जो है वो भी यूएस को सपोर्ट कर रहा है, यूएस को लेकर, लेकिन अभी देखो चाइना ने 9 जगह पे है ना ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी है, इससे उसके एक्सपोर्ट को भी प्रॉब्लम होगी। और अब ये देखना है कि अगर जब चाइना स्ट्रिक्ट मेजर ताइवान के ऊपर तो वो अपनाएगा ही अपनाएगा, तब यूएस किस लेवल के ऊपर उसको हेल्प करेगा, क्योंकि यूएस का सिंपल सा फंडा है उसको वॉर में नहीं उतरना है। 2-3 बार वॉर में उतर के देख लिया, बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा लगता है, इसलिए उसने हाथ खड़े कर रखे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करना ताइवान को कितना हो पाएगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्या उसका हाल भी यूक्रेन जैसा ही होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे यंग इंडिया का ऑफिस है जो कि सील कर दिया गया ईडी के द्वारा। यंग इंडिया आपको मालूम है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर है जो कि हुआ करता था किसके नाम पे, गांधी जी के द्वारा एक यंग इंडिया स्टार्ट किया गया था, ये तो खैर अलग बॉडी है। यंग इंडिया न्यूज़पेपर की बात करें तो 1919 से लेकर 1932 के बीच में जो है देश में फ्रीडम स्ट्रगल को आगे तक ले जाने के लिए गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया का एक न्यूज़पेपर भी वीकली जर्नल है जो कि लॉन्च किया गया था। यहाँ पे तो हेराल्ड का केस है, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर आपको मालूम है नेहरू जी और पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था देश की आज़ादी से पहले, देश के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, तो वो वाला केस है यहाँ पे, ये अलग मैटर है। यहाँ पे दोस्तों डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, आपको मालूम है कि सबके प्राइवेट लोगों का डाटा प्रोटेक्शन होगा, उसको लेकर लोकसभा के अंदर जो है पार्लियामेंट में जो है उस बिल को वापस ले लिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे फ्लॉस थे उसमें। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ट्राइकलर कैंपेन को लेकर इश्यू बना हुआ है। कांग्रेस ने कल क्या किया, आपको मालूम है देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव और साथ में हर घर तिरंगा योजना है जो कि लॉन्च करी गई, जिसमें हर घर में तिरंगा को जो है वो फहराने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो यहाँ पे कैंपेन की शुरुआत हो गई कल 3 तारीख से इसकी कैंपेन की शुरुआत थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस के लीडर्स ने क्या किया, नेहरू जी के साथ में तिरंगा जो है अपनी पोस्ट के ऊपर डाल दिया और साथ में ये बोला कि भाई देश के सभी लोगों ने, जितने भी लीडर्स हैं, सबने जो है वो तिरंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर सोशल मीडिया पर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आरएसएस ने तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पे आरएसएस को ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि भैया तुम भी लगाओ। अब आरएसएस की समस्या ये है दोस्तों कि आरएसएस जो है वो ट्राई कलर अपने कभी भी नागपुर पे हेडक्वार्टर पे नहीं फहराता है, क्योंकि जब से तिरंगा बना है तब से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 1947 1950 में उन्होंने तिरंगा फहराया, उसके बाद में 2002 में जाके एक बार तिरंगा जो कि उन्होंने फहराया। इसके अलावा आरएसएस जो है वो ट्राई कलर के साथ में अलाइन है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज को लेकर दोस्तों कल काफी मुद्दा बन गया। तो ये मुद्दा है जो कि वही यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बात करें दोस्तों जो कि एक डेथ केस को लेकर है वो यहाँ पे बताया। तो हमारे लिए दोस्तों जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, है ना, तो हमारे लिए जो एक ये वाली न्यूज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी ऐसा खास इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सबसे पहले बोला गया है किसको लेकर, डिस्कॉम के फ्रीबीज को लेकर। आपको मालूम है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज है ना, ये बहुत ज्यादा घाटे के अंदर है, समझ गए। तो अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूज है जो कि उसको डिस्कॉम यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को देने हैं सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के, वो बहुत ही ज्यादा है। तेलंगाना 11,000 करोड़, महाराष्ट्र 9,000, आंध्र 9, कर्नाटका 6, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और केरला और कई सारे दोस्तों राज्यों के अंदर अनपेड सब्सिडीज बहुत ज्यादा है। अनपेड यानी कि जिसके पैसे नहीं मिलते, मतलब जिसमें उत्तर प्रदेश दोस्तों टॉप कर रहा है, 18,000 करोड़ रुपए की दोस्तों अनपेड सब्सिडीज है जो कि देखने को मिली है। मध्य प्रदेश 16,000, राजस्थान 15, पंजाब, कर्नाटका, ये सब है ना। हाईएस्ट एटीएनसी लॉसेस, सबसे ज्यादा लॉसेस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो देख सकते हैं। अभी देखिए मुद्दा क्या है कि सबसे पहले तो जो टोटल अगर आप मिला लो ना कि जितने भी आपके स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाउंट जो है वो बहुत ही बड़ा है। 1.1 ट्रिलियन रुपी है जो कि स्टेट रन डिस्कॉम है ना वो अभी ओन करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट से उसको लेने हैं। इसके अलावा डेप्थ की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ कर्जे के अंदर है। एक ACS, ये देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, समझ गए मेरी बात। पहले जो है वो 47 पैसे का गैप हुआ करता था, अभी वो गैप घट के 36 पैसा है जो कि रह गया है। कितना आपको बिजली बना के सप्लाई करने में लगता है और उसके बाद में, जैसे कि लेट्स से कि 4 रुपए जो है वो आपको लगते हैं बिजली बना के सप्लाई करने में, आप ले कितने रहे हो सब्सिडी देके, मान लो 3 रुपए ले रहे हो आप सब्सिडी देके, पर तो आपको 6 रुपए की रही है, आपने 3 रुपए की क्या कर दी, सब्सिडी दे दी और आप 3 रुपए में बांट रहे हो, तो 1 रुपए का तो यहाँ पे लॉस हो ही गया ना। तो 1-1 रुपए का जो ये लॉस है ना, ऐसे करते करते लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, समझ गए मेरी बात। तो इस वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे बोला गया है, तो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर है जो कि यहाँ पे इश्यूज है जो कि यहाँ पे बोले गए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि भाई इकोनॉमिकल कंडीशन को जो है वो बेहतर रखो ताकि प्रॉब्लम है जो कि आने वाले टाइम पे नहीं रहे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। ओके, अब दूसरी बात ये होती है कि क्या ये फ्री में जनता को, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको क्या फ्री में देना सोल्यूशन है क्या? देखो दो चीजें होती है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ, दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो होता है कि कोई भी चीज आपको किसी भी को फ्री में देना है ना, अगर आप किसी भी चीज को फ्री में दे रहे हो या फिर सब्सिडाइज करके दे रहे हो, सब्सिडी में दे रहे हो, तो क्या होता है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। क्या होता है, टेम्पररी सोल्यूशन है, यानी कि लेट्स से कि अभी मान लो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू ले लो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या किया कि चलो भाई थोड़े सस्ते में दे दो, लोगों के पास पैसा नहीं है, इतनी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, पहला टेम्पररी सोल्यूशन हो जाता है उस चीज का। ये हर चीज के अंदर होता है, बिजली पानी चाहे कोई सा भी हो, हर चीज के अंदर। दूसरा क्या होता है, इलेक्शन के अंदर बहुत फायदा मिल जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होता है कि भाई अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हम लोग ये आ गए तो हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, तो इलेक्शन के अंदर फायदा हो जाता है। और ये इलेक्शन के अंदर जो ये पैसा जाता है, जब आप फ्री में कोई देते हो, तो ये टैक्सेस का पैसा जाता है, ठीक है, इससे टेम्पररी रिलीफ है जो कि जनता को मिल जाती है, ऐसा नहीं जनता को फायदा नहीं होता, डेफिनेटली सब्सिडी से फायदा होता है। एक गरीब आदमी जिसके पास में 2 वक्त के खाने की प्रॉब्लम है, अगर उसको मान लो बेसिक चीजें जो है उसको अगर मिल जाए सस्ते में, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। अब एक दूसरा तरीका, ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन नहीं पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे ही चलता है, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसी में यही तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, वोट बैंक के लिए। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आप किसी चीज को फिक्स करो,
फिक्सेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि परमानेंट है जो कि सोल्यूशन निकाला जाता है। आप क्या कर रहे हो, जो ये सब्सिडीज का पैसा होता है इसको क्या कर रहे हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालते हो उस प्रॉब्लम का। लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो आपने सोलर के ऊपर काम किया, उसकी वैल्यूज को कम किया, आपने टेक्नोलॉजी लेके आया और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना कम कर दिया कि जो आप जितने रेट में सब्सिडी करके दे रहे थे ना, उतने ही रेट के अंदर आप जो है वो नॉर्मली अवेलेबल करवा रहे हो। समझ गए, इसके अंदर क्या होता है कि कोई वोट बैंक का चक्कर नहीं होता, अच्छी बात यह है। इसके अंदर परमानेंट सोल्यूशन के लिए जील बहुत चाहिए होती है ना, काम बहुत करना पड़ता है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि मिनिस्टर्स को, पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को कह रहा आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। दुनिया में सबसे प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। समझ गए, तो ये आपको यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में यही होता है कि जब वो वहाँ पे वादे करते हैं तो सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि देखो ये वाली प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरीके से फिक्स करूँगा, तब जाके जनता जो है वहाँ पे वोट देती है और वो सिस्टम है जो कि इम्प्रोवाइज होता है। समझ गए, जैसे ब्रेग्जिट के बारे में देखोगे तो जितने भी नए दो तीन बार जो पीएम बने वो हमेशा ब्रेग्जिट के मुद्दे के सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे कि सोल्यूशन हम लोग ये देंगे, तब जनता ने उनको वोट दिया। जर्मनी के अंदर भी अभी ये हो रहा है कि रशिया से अगर ये गैस पाइपलाइन वाला ले रहे हैं मुद्दा, तो मुद्दा बना हुआ, इसका सोल्यूशन क्या होगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तब जनता जो है नए को चुनेगी वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ चलती, तो ये दो चीज़ें हैं। तो ये बहुत टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन करनी यही चाहिए एक्चुअली में। समझ गए, अब यहाँ पे ये कि फ्री और सब्सिडी जो है इसमें भी कोई इशू नहीं है एक्चुअली में। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और उसमें से मान लीजिए 70 रुपये अगर आप सब्सिडी में या बाकी चीज़ों में वेलफेयर में लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 120 रुपये लगा रहे हो या 140 रुपये लगा रहे हो तो फिर ये क्या जो डिफरेंस है ना, ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड ऑफ द डे फर्क जो है वो हमेशा जनता को ही पड़ेगा। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। तो ये हो चुका है अपना डिस्कशन, यहाँ पे पेज नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ONGC के बारे में बात करेंगे। ONGC के ऊपर दोस्तों 22 करोड़ रुपये का चालान बोल सकते हो, या फिर पेनल्टी है जो कि बोल सकते हो, जो कि NGT के द्वारा लगाई गई, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो चेन्नई की जो ब्रांच है NGT की, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है ना, उन्होंने ONGC के ऊपर जो है 22 करोड़ रुपए का पेनल्टी है जो कि लगाया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है वो देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 करोड़ रुपए किसको देंगे ये लोग, आंध्र प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देंगे, और वो भी 6 महीने के अंदर ही पैसा है जो कि देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से, ONGC की वजह से काफी लार्ज स्केल एयर, साउंड, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन है जो कि ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला है। समझ गए मेरी बात, तो ये ऑर्डर है जो कि दिया गया है, और अगर वो नॉन कंप्लायंसेस अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो और एक्स्ट्रा पेनल्टी है, कंपनसेशन है जो कि उनको और देना पड़ सकता है। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है। साथ में यहाँ पे NGT ने क्या बोला है कि जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको भी बोला है कि अपने जो भी काम कर रहे हो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस यूज करो, है ना, जो रिकमेंडेशन एक ज्वाइंट कमेटी के द्वारा दी गई थी अपने काम करने के लिए, अगर उनको फॉलो नहीं किया तो इनके ऊपर भी जो है वो इनके ऊपर भी पेनल्टी है जो कि लग सकती है, क्योंकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एक्टिविटीज है जो कि PSU और मेजरली ऑयल और गैस जो PSUs होती है इनके द्वारा करी जाती है, तो उसी को लेकर ये पेनल्टी है जो कि लगाई गई है। तो एक मैकेनिज्म अवेलेबल करवाया गया है कि इन एक्टिविटीज को कैसे आप कम कर सकते हो, साथ में काम भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आसपास के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के जो 100 गांव है ना, वहाँ पे गैसेस का लीकेज हो गया था, तो गैस का लीकेज होने की वजह से आपकी लैंड भी खराब होती है, पानी भी खराब होता है, एयर भी खराब होती है, तो ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिली। तो 6 महीने का यहाँ पे टाइम है जो कि दिया गया। NGT के बारे में नहीं पता तो बहुत ही बढ़िया बॉडी है, 2010 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी NGT, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने का मोटिव है था कि आर्टिकल 21 में क्या बोला जाता है कि हम सबका अधिकार है एक हेल्दी एनवायरमेंट को सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अभी एक गांव के अंदर अगर मान लीजिए इस तरीके की डेंजरस गैसेज लीक हो रही है, तो वहाँ के गांव के लोगों के अभी तो राइट है, आर्टिकल 21 है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके तहत उनको कंपनसेशन भी मिल सकता है और वो उस चीज़ को बंद भी करवा सकते हैं। तो इसी के तहत दोस्तों NGT क्या करती है, NGT के पास में पावर है कि वो स्वयं मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है, खुद किसी मैटर को ले सकती है अगर उसको लगता है तो, और उसके ऊपर जो है वो फैसला भी सुना सकती है। तो ये स्पेशलाइज बॉडी है दोस्तों, 2010 में बनाई गई थी ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन किया जा सके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट किया जा सके और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसे कोई भी जो केसेस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको डिस्पोज है जो कि ये करती है। हम इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरा देश बन गया था 2010 में जिसने इस प्रकार की एनवायरनमेंट को लेकर स्पेशल बॉडी बनाई थी। उससे पहले दोस्तों ऐसा करने वाले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये जो कि हुआ करते थे। समझ गए मेरी बात, चलिए। और कोई भी केस जो है ना वो 6 महीने के अंदर खत्म करता है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी, है ना। 5 जगह पे इसकी प्लेसेस है, दिल्ली की प्रिंसिपल ऑफिस है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर बाकी ऑफिसेस हैं।
इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, साथ में चेयरपर्सन कौन है, आदर्श कुमार अभी, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, है ना, 3 साल के लिए ऑफिस अपना टेन्योर या फिर 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, समझिए मेरी बात, उतने टाइम तक के लिए ऑफिस है जो कि ये होल्ड करते हैं। चेयरमैन जो अपॉइंट करे जाते हैं दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उसमें सीजीआई का कंसल्टेशन है जो कि जरूरी होता है, समझ गए, सीजीआई का कंसल्टेशन जरूरी होता है। इसके अलावा एक सिलेक्शन कमिटी भी बनाई जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है कि कौन से जुडिशियल मेंबर बनाए जाएंगे और कौन से एक्सपर्ट मेंबर है जो कि बनाए जाएंगे। 3 लोग है ना इसमें, चेयरमैन है, जुडिशियल मेंबर है, एक्सपर्ट कमिटी है। तो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट कमिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगी और आपके जो चेयरमैन होंगे वो सीजीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर अपॉइंट करेगी, ठीक है। एटलीस्ट जो है 10 तो मिनिमम और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर है जो कि इस ट्रिब्यूनल के अंदर होते हैं। यहाँ पे दोस्तों पेनल्टी भी लगाई जाती है अगर आपने कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं किया तो, 3 साल तक की जेल हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। इस बार तो फाइन भी जो है वो बढ़िया 22 करोड़ रुपए का है जो कि लगाया गया है, समझ गए। इनफैक्ट एनजीटी के जो केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उसको 90 डेज के अंदर जो कि सॉल्व करता है, ओके। तो एनजीटी जो है सिविल केसेस जो कि 7 लॉज के अंदर आते हैं एनवायरमेंट के तहत, वो सारे के सारे मेजरली लेता है। कौन कौन से है ये सारे के सारे, पॉल्यूशन वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980। ये ईयर पूछते हैं पेपर में सारे के सारे, वाटर का कितना है, फॉरेस्ट का कितना है, एयर का कितना है, इन्वायरमेंट का कितना है, इंश्योरेंस का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन सब के तहत दोस्तों किया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 की। यहां पर डेटा पॉइंट के अंदर जो है वो स्कूल के बारे में बात करेगा। ये लोकसभा में डेटा दिया गया, बताया गया कि हमारे देश में कितने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है और कितने बच्चे जो है वो कहां पर पढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के दोस्तों जो 62% जो बच्चे हैं वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है जो कि जाते हैं, समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्कूल में जाने में नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि एक ग्रुप डी की पोजीशन के लिए हमारे देश में 1 करोड़ एस्पिरेंट है जो कि फॉर्म भरते हैं 1 लाख वैकेंसी के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वालिटी है ना वो दोस्तों क्या है, बहुत ही खराब है। अक्सर जो है लोग बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि आपने देखा होगा ना प्राइवेट सेक्टर वाले अक्सर बोलते हैं अरे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अरे तो ये कर रहे हैं, कई सारे है ना जो मैनेज कोई भी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे होते हैं, अरे इनको तो ये आता नहीं, अरे इनको तो ये नहीं आता, मतलब बहुत ही वाहियात बात लगती है मेरे को ये एक्चुअली के अंदर। इसके अंदर किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती है ना, इसके अंदर गलती है हमारे सिस्टम की। समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि अगर कोई भी बच्चे को आपने गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपको मालूम ही है, जब उसके 12th जब वो करके निकलता है पास, तो उसके पास में ना तो कोई स्किल्स है जो कि सिखाई जाती है, ना कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है उसको कि मान लीजिए इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश आती है ना, वो उसको लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसके अलावा आउटर वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उससे भी वो वाकिफ नहीं होता, उसके सोल्यूशन के ऊपर भी कोई बात नहीं होती है। तो जब ये बच्चा बाहर निकलता है ना तो प्राइवेट जॉब के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती है, समझ रहे हो, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाती है उसके पास। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। वहीं पर ही अगर एक मैं CBSE या IB बोर्ड के बारे में बात करूं, जहां पर आपके इंग्लिश क्लास में स्कूल टीचर सब लोग जो है इंग्लिश में बात करते हैं या थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको अच्छी खासी थोड़ी बहुत सिखा दी जाती है कि आप एटलीस्ट बाहर जाके इंटरव्यू में बैठ सकते हो, बात कर सकते हो किसी कंपनी में जाके, है ना, GDPI है जो कि निकाल सकते हो, तो इंग्लिश का होता है। इसके अलावा स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर फोकस किया जाता है, आपके जो आपके जो और भी पेपर होते हैं जैसे कि IIT है, NEET है, उसके अलावा आपके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है क्योंकि स्कूल के अंदर माहौल जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है। हालांकि ये स्कूल भी कोई बहुत ताबड़तोड़ तो नहीं होते लेकिन कंपैरेटिवली ठीक होते हैं, समझ गए मेरी बात। तो उसकी वजह से जो है इन बच्चों को थोड़ा एज मिलता है और ये प्राइवेट जॉब में इजीली इनके लिए, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाते, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अगर आप इनके स्कूल का लेवल इंप्रूव कर दोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 1 करोड़ बच्चों को सरकारी नौकरी की फॉर्म भरने की, समझ गए मेरी बात। तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर। सिस्टम इंप्रूव होगा अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे डेटा पॉइंट में बताया गया कि 63% जो बच्चे हैं दोस्तों हमारे आज भी वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, समझ गए। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 7 राज्य ऐसे हैं, है ना, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल के अंदर रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर आप मणिपुर में देखोगे तो 67% प्राइवेट में, नागालैंड में, हरियाणा में 61, तेलंगाना में 57,
पुडुचेरी, उत्तराखंड और पंजाब, ये सारे राज्य हैं जहाँ पे 50, आप देख सकते हो मोर देन 50% बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, ठीक है, वो आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल ऑलमोस्ट बराबर है। ओके, और ठीक है, यहाँ पे देखिए पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे 50% जो न्यू एडमिशन हो रहे हैं ना पिछले दो सालों में, वो प्राइवेट स्कूल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, जिसमें दिल्ली, सिक्किम और तमिलनाडु, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो आपको मालूम है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सरकारी स्कूल का, वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे हो गए, तो बच्चा क्यों नहीं जाएगा यार वहाँ पे, और वहाँ से बहुत अच्छे टैलेंट निकलेगा, देखना आप आने वाले टाइम पे, कोई दिक्कत ही नहीं उनको, कोई जॉब्स की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उनको। ओके, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल ओपन करने के लिए एप्लीकेशन लग रहे हैं, है ना, 5,500 स्कूल जो है 5,000 प्राइवेट स्कूल ओपन करने के लिए और अप्लाई किया गया है, जबकि होना क्या चाहिए, एजुकेशन तो एक हर आदमी का बेसिक राइट है जो कि मिलता है, जो कि उसको फीस बहुत ही बेयर मिनिमम फीस के अंदर है जो कि मिलती है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों के पास में फीस पे करने को नहीं है, मतलब, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, मतलब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फीस का इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, टीचर आते जाते नहीं है, एक टीचर है जो कि वहाँ पे वही है कि वो कोई सब्जी काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, वैसे बहुत आज भी ऐसे हालात है, मतलब रियलिटी है आज भी, और प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस अवेलेबल नहीं है, तो ये आज भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जो कि देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे यही चीज़ें जो कि दिखाई गई है। न्यू एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000-6,000 प्राइवेट स्कूल ओपन करने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार एंड सो ऑन, ये लोकसभा के अंदर डाटा है जो कि दिया गया। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 10 की बात करें, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया दोस्तों होस्ट करने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर है। एक बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है इंद्र कुमार कि प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम सही कर दिया जाए, यही होना चाहिए। अगर आप विदेशों में जो देखोगे ना तो वहां पे बेस्ट स्कूल पता है किसको कहते हैं, बेस्ट स्कूल पता है कौन सा स्कूल होता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जो कि नियर बाय होता है। एक बिलेनियर का बच्चा, एक कोई बिलेनियर होगा ना उसका बच्चा, और वहां पे एक टैक्सी या कैब ड्राइवर का बच्चा, दोनों का बच्चा आपको एक ही नियर बाय स्कूल में पढ़ता हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्कूल ही एक जैसे हैं, कोई बड़ा स्कूल कोई छोटा स्कूल वाला कोई लॉजिक ही नहीं है। सरकार फंड कर रही है, सरकार सब दे रही है, चला रही है, और सारे के सारे एक जैसे स्कूल बना रखे हैं, सिस्टम सब जगह एक जगह है, एजुकेशन सब जगह सेम है। तो अगर मान लीजिए सारे स्कूल एक जैसे हैं, सरकार के द्वारा सारे स्कूल अच्छे चलाए जा रहे हैं, तो मैं पास वाले में भेजूंगा ना, मैं 10 किलोमीटर दूर क्यों भेजूंगा। आज प्रॉब्लम क्या है कि कोई छोटा स्कूल है हमारे यहाँ पे, कोई बड़ा है कोई, दिल्ली में तो आपने वो पिक्चर ही बन गई थी, इंग्लिश मीडियम आपने देखी होगी, इंग्लिश मीडियम ही है ना, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हाँ, तो इरफान खान की अपनी पिक्चर थी, वो तो पूरी मूवी बन गई अच्छे स्कूल के ऊपर, है ना। तो नियर बाय बेस्ट स्कूल है जो कि माना जाता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे अभी मैं कुछ टाइम पहले लंदन गया था, तो लंदन के मैं 2-3 स्कूल के अंदर जो है मैंने थोड़ा मेरा काफ़ी बात बात हुई थी वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी उनसे जाना था लंदन के अंदर कि वहाँ पे क्या सिस्टम है स्कूल के एजुकेशन का, क्या है क्या नहीं है, तो देखा था, मतलब काफ़ी, मतलब वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी का आपने देखा होगा एक एरिया है, मतलब नाम भूल गया मैं उसका, एक इंडियन कम्युनिटी काफ़ी रहती है वहाँ पे, एशियन कम्युनिटी काफ़ी रहती है वहाँ का स्कूल जो सरकारी, वो भी बहुत अच्छा स्कूल था, जो अपने आगे जहाँ पे 5,000 रुपये फीस देनी पड़ती है कुछ इस तरीके का। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। तो इन्हें देखो, आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो हमारे पास थी काउंटर टेररिज्म वाली चीज़ को लेकर, है ना। तो यहाँ पे 2020 से लेकर 2021 और 2022, ये 2 साल के लिए हमारे पास में चेयरमैनशिप थी। हम लोग क्या करेंगे, 15 कंट्रीज, 5 तो परमानेंट हो गई, 10 नॉन परमानेंट हो गई, तो 15 कंट्रीज की मीटिंग है जो कि हम यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं, जिसमें चाइना, रशिया, यूएस सारे के सारे होंगे। कहाँ पर करवाने वाले हैं, पहले तो दिल्ली में होगी और उसके बाद में अक्टूबर के अंदर कहाँ पे, मुंबई में इसको आयोजित है जो कि करवाया जाएगा, समझ गए। इसको बोलते हैं CTC, है ना, काउंटर टेररिज्म कमिटी। ये मीटिंग है जिसके अंदर इंडिया जो है वो चेयरमैन है, और इसके अंदर टेरर फिनेंसिंग के ऊपर हम लोग काफ़ी डिस्कशन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी हो गई, साथ में आजकल लोग जो है वो टेररिज्म के अंदर ड्रोन को भी काम में ले रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ को लेकर, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट आजकल पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से,
आपको देखने को, आपको मालूम ही है कि काफी ज्यादा होता ही है। तो इन चीजों को, मुद्दों को जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो रखा जाएगा। हम लोग यहाँ पे दो चीजों के ऊपर करेंगे काम, एक तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट के ऊपर, और साथ में जो इंडिया भी एक विक्टिम है टेररिज्म का, और इंडिया के अंदर किस तरीके से टेररिज्म फैल रहा है, इन दो चीजों के ऊपर चर्चा है जो कि हमारा करना यहाँ पे मोटिव है। एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी बात की जाएगी, कब क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात की जाएगी, है ना, ड्रोन्स के यूज के बारे में बात की जाएगी। तो ये सारे के सारे यहाँ पे चीजें जो कि डिस्कशन होने वाला है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि दिसंबर के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी समिट भी होने वाला था, है ना, पहले भी हो चुका था डेमोक्रेसी समिट जो कि यूएस के द्वारा होस्ट किया जाता है। पिछली बार तो चाइना रशिया इनको तो बुलाया नहीं गया था। इसके अंदर बात की जाती है कि अथॉरिटेरियन कंट्रीज को कैसे टैकल किया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, ये वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे इसके डेमोक्रेसी समिट के बारे में भी चर्चा करी गई है, और तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है। किस को, सोशल मीडिया को, है ना, फाइनेंसिंग को, टेररिज्म की, एरियल सिस्टम को, अनमैंड एरियल सिस्टम को, इनको इंप्रूव किया जा सकता है, बेहतर चीजें हमें काम में लिया जा सकता है, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है जो कि होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है अपने यहाँ पर, एक तो ये वाली न्यूज थी और एक अपने चीफ विजिलेंस ऑफिसर के बारे में भी बात करेंगे। ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। गतिशक्ति आप मालूम है ना, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि रेलवे यूनिवर्सिटी को गतिशक्ति यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो बिल पास हो गया है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सुरेश पटेल को अपने चीफ विजिलेंस ऑफिसर है जो चलो ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि सभी लोग देख सके। एक बार शेयर कर देना अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी ग्रुप पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था ना हमारे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा था, हथियार आ रहे थे, जा रहे थे, खरीद रहे थे, तो हथियारों की सप्लाई के अंदर लार्ज करप्शन है जो कि देखने को मिला था, समझ गए। तो उस टाइम पे एक क्या बनाया गया था, एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया 1941 में करप्शन को चेक करने के लिए। बाद में उसी को कन्वर्ट करके दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया, और फिर देश की आज़ादी के बाद में जो है, फिर हमने 1961-62 के टाइम पे जो एक कमेटी बनी, संथानम कमेटी, उन्होंने बोला कि हमें एक प्रॉपर बॉडी चाहिए जो कि करप्शन को देख सके। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में अपना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि सेटअप किया गया, ओके, जो कि देश के अंदर क्या करता है, देश के अंदर क्या करता है, जितने भी सरकारी नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप ए हो, वहां पे करप्शन है जो कि चेक करता है। तो इसके जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाए गए हैं वो सुरेश पटेल को दोस्तों रिसेंटली बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ है जो कि दी गई, और अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के द्वारा ही जो है दिलाया जाता है, समझ गए मेरी बात। इससे पहले संजय कोठारी थे, और ठीक है, इसके अलावा साथ में क्या होता है जो कमीशन है ना, इसके अंदर एक तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, दो उसके अंदर में विजिलेंस कमिश्नर होता है, तो दो विजिलेंस कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट है जो कि यहाँ पे किया गया है, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैक्सिमम दो ही विजिलेंस कमिश्नर है जो कि हो सकते हैं। पहले दोस्तों ये सीईओ आंध्रा बैंक के थे, है ना, और ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब देख सकते हो आप, सबसे पहले कमिटी बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर 1964 के अंदर, तो संथानम कमिटी थी, तो उन्होंने क्या किया, सेटअप करने के लिए बोला। 2003 में दोस्तों पार्लियामेंट ने फाइनली जो है एक स्टैचुरी स्टेटस है जो कि इस कमीशन को दिया। इसको दोस्तों किसी भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब संथानम कमिटी ने चीफ विजिलेंस कमीशन की बात करी थी, उससे जस्ट पहले 1963 में सीबीआई को का फॉर्मेशन भी संथानम कमिटी के द्वारा किया गया। लेकिन सीबीआई की प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर में डाला गया, तो वो बोलकर भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई वैसे। लेकिन ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, किसी ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के। तो अगर मान लीजिए विजिलेंस कमीशन को काम करना है, तो उसको कोई, इनको कोई नहीं रोक सकता, है ना, दमादम खतरनाक काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई, इसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इसके पास खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, सीबीआई के थ्रू जो है ये काम करती है। और ठीक है गाइस, करप्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988, उसके तहत दोस्तों इसको सारे के सारे पावर्स है। एनुअल रिपोर्ट भी बनाती है कि कैसे हमें हमारे सिस्टम को जो है वो इंप्रूव करना चाहिए, ओके। हमारे यहाँ पे बात करें अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो हमारी रैंकिंग जो लेटेस्ट है वो 85 हमारी रैंकिंग है, यानी कि हम दुनिया में कुछ खास जो है करप्शन के अंदर हमारी रैंकिंग थोड़ी लो जाती जा रही है, ओके। इंप्रूवमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स भी जो है ये अपनाने के लिए बोलता है। चलिए ठीक है गाइस, कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और एक कमिटी है जो कि रिकमेंड करती है कि किसको बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए कमिटी के बारे में बात करें, तो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होगा उसको अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, उसकी कमिटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन,
ये तीन लोग हैं जो कि कमिटी में होते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको बनाना है। ठीक है गाइस, ये कमिटी होती है, ये विजिलेंस कमिश्नर है जो कि बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और आपके विजिलेंस कमिश्नर। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 4 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 ईयर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल है। ऑलराइट, चलिए। इनके द्वारा एक इंटीग्रिटी इंडेक्स भी जो है वो डेवलप किया जाता है ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कितना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है वो दिखाने के लिए IIM अहमदाबाद के साथ में इन्होंने मिलकर रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे इस इंटीग्रिटी इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये भी इनके द्वारा दोस्तों किया गया। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 के दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी का कैबिनेट ज्वाइन कर लिया, एक तो यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पे बात करी गई है दोस्तों कैबिनेट की नोट फॉर क्लाइमेट प्लेज को लेकर। देखो आपको मालूम है कि अभी जब मोदी जी पेरिस समिट में गए थे, COP26 में गए थे, ग्लासगो के अंदर गए थे, तो हमने कई सारे लंबे लंबे जो है वो कमिटमेंट दिए थे कि हम लोग इन्वायरमेंट को लेकर काम करेंगे, समझ गए। ठीक है, तो जो हमने COP26 में प्रोमिसेस किए थे वो अभी खैर हमारे जो अभी हमने NDC जारी किया है उसके अंदर तो खैर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है सारे के सारे प्रोमिसेस को, लेकिन पहले हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोमिसेस करेंगे, क्योंकि प्रोमिसेस के ऊपर पेपर में सवाल है जो कि बनता है, समझ गए मेरी बात। तो सबसे पहली बात करी जाए तो, और इन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है जो कि बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। तो इस प्लान के अंदर हम लोग सब चीजों को डालते हैं कि हमें कैसे चीजें कितनी करनी है, क्या करनी है। ओके, अब इसके अंदर हमने सारे के सारे उन प्रोमिसेस को इंक्लूड नहीं किया जो COP26 में किए थे, जैसे कि पंचअमृत, पांच चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी थी, है ना, कि गवर्नमेंट पांच चीजों के ऊपर काम करेगी। सबसे पहले क्या था कि रेन्यूएबल एनर्जी 500 GW प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। रेन्यूएबल एनर्जी याद है तो आपको, ये पेपर में पूछेंगे आपसे, डायरेक्टली सवाल बनेगा इससे। ठीक है गाइस, रेन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। और सेकंड क्या होगा कि जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% हम लोग कहां से लेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। ये भी कब तक करेंगे, 2030 तक करेंगे। दूसरी बात बोली थी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कार्बन इमिशन जो है वो 1 बिलियन टन जो है कम करेंगे, कब तक, 2030 तक। 1 बिलियन टन है जो कि कार्बन इमिशन कम करेंगे 2030 तक। इंटेंसिटी की बात की जाए कि कार्बन इंटेंसिटी, ओके, उसको भी हम लोग रिड्यूस करेंगे, कब तक, उसकी इंटेंसिटी 45% हम लोग कम करेंगे उसकी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी हम लोग रिड्यूस करेंगे 45% तक हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे। और नेट जीरो का टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, नेट जीरो का टारगेट अचीव करेंगे 2070 तक। तो ये पांच कमिटमेंट है जो कि करे गए थे, हालांकि जो अभी NDC इंक्लूड किया गया है इसमें दो ही चीजों को एड ऑन किया गया है, समझ गए। तो ये पांच टारगेट बताना मेरे लिए जरूरी था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये जो इंटेंसिटी है ना 45% कम करना, इसका जो बेस लेवल है वो 2005 रखा गया है, ओके, साथ में 50% इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी भी, ये तो मैंने बताई दी। तो ये पांच पॉइंट है जो कि बताया गया। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे जो कि क्या है, रामसर साइट को लेकर। हमने दोस्तों 10 मोर रामसर साइट है जो कि इंक्लूड करी है। रामसर साइट के बारे में अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मैंने डिटेल में लंबा चौड़ा लेक्चर है जो कि आपको दिया था, याद होगा। आपको नहीं देखा तो पुराना 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लेना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे टोटल कितनी हो गई रामसर साइट, पहले 54 थी, अभी 64 रामसर साइट है जो कि हमारे यहाँ पे हो गई। भूपेंद्र यादव के द्वारा दोस्तों ये बात है जो कि बोली गई। ये जो 10 इंक्लूड करी गई है इसमें 6 तो है तमिलनाडु की, 1 है गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो पहले 54 थी कुछ दिन पहले, अभी 64 है जो कि अपडेट हो चुकी है। आगे बात करते हैं CGI के रिकमेंडेशन को लेकर। आपको मालूम होगा कि 26 अगस्त को दोस्तों हमारे जो CGI है वो रिटायर होने वाले हैं, और अब दोस्तों 49th CGI है जो कि हमारे देश में न्यू CGI है जिनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना वो हमेशा CGI बनता है देश में। सीनियर मोस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बने हुए 20 साल हो चुके हैं, किसी को 19 साल 5 महीने हो चुके हैं, किसी को 20 साल 1 दिन हो चुका है,
तो जिसको 20 साल एक दिन हो चुका है ना सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए, जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी होगा सुप्रीम कोर्ट में जज में, यहां पर उसकी खुद की एज के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है सीनियरिटी की। सीनियरिटी का मतलब होता है कि जज बने हुए आपको सुप्रीम कोर्ट का कितना टाइम हो चुका है, तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको सीजीआई बनाया जाता है। ये प्रथा है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है, तो ठीक है, और ये हमारे संविधान में भी है। तो अब क्या होगा कि पहले तो जो अपने लॉ मिनिस्टर है वो बताएंगे सीनियर मोस्ट कौन है, है ना, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, उनके डाटा, उन सबके हिसाब से लॉ मिनिस्टर रिकमेंडेशन भेजेंगे सीजीआई के पास, सीजीआई बोलेंगे चलो ठीक है यस, फिर लॉ मिनिस्टर भेजेंगे आप पीएम के पास, पीएम भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद में सीजीआई का अपॉइंटमेंट होगा। तो जो नए सीजीआई दोस्तों बनने वाले हैं हमारे देश में, उनका नाम है दोस्तों यू यू ललित, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट जज है, जो कि है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, रमन्ना जी ऑलरेडी बन चुके हैं, और 49 सीजीआई है जो कि दोस्तों सीनियरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से ये बन जाएंगे। तो उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात है जो कि करी गई है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे ओलंपिक्स, अपने क्या बोलते हैं, देखो ये बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है, आपको मालूम है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो इंटरनेशनली होती है, अभी होती ना जहाँ पे हमने एक मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, सॉरी सिल्वर मेडल, है ना, उसके अलावा हम बिल्कुल हमारा पत्ता साफ था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। सोचिए कि हमारी अंडर 20 की जो टीम है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर, अगर दोस्तों और वो भी सिल्वर मेडल लिया है टीम इवेंट के अंदर, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो दोस्तों वही हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई अंडर 20 की, तो हमने दोस्तों मिक्स्ड रिले के अंदर, जो मिक्स्ड रिले इवेंट होता है उसके अंदर सिल्वर मेडल है जो कि जीत लिया, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है, और ये नहीं एशियन रिकॉर्ड भी जो है वो हमने दोस्तों यहाँ पे बना दिया। 4x400 मीटर का मिक्स रिले इवेंट था वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि कोलंबिया के अंदर करवाई गई, तो वहां पर ये हमारे चार दोस्तों रनर थे, दो महिला दो पुरुष, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को, और थोड़ा सा पीछे रह गए, यूएसए जो है वो नंबर वन पे रहा और सेकंड के ऊपर इंडिया रहा, ठीक है गाइस, और एशियन रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया, ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो यहाँ पे मेडल्स के बारे में बात करेंगे, दोनों मेडल्स, इसके अलावा यहाँ पे मेडल, यहाँ पे मेडल, कुछ मेडल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो मिक्स्ड बैडमिंटन इवेंट के अंदर दोस्तों हमने सिल्वर मेडल जीता, है ना, मलेशिया नंबर वन पे रहा, फाइनल में मलेशिया से हार गए हम लोग। साथ में यहाँ पे तुलिका ने दोस्तों जूडो के अंदर जो है वो सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा घोषाल, सौरभ घोषाल का नाम आपने सुना होगा, तो इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है जो कि स्क्वैश के अंदर दोस्तों हमने जीता कॉमनवेल्थ में, तो यहाँ पे उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल है जो कि दोस्तों जीता गया, फर्स्ट सिंगल मेडल है जो कि स्क्वैश के अंदर हमें दोस्तों मिला। स्क्वैश वाले में ना गेम क्या होता है, सामने मारते हैं बॉल, एक बार ये मारेगा एक बार मैं मारूंगा, ठीक है गाइस। इसके अलावा हाँ, लवप्रीत जो है उन्होंने भी यहाँ पे सिल्वर मेडल है जो कि जीता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लवप्रीत ने भी दोस्तों बिल ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर है जो कि इन्होंने जीत लिया, ठीक है। तो ये सारे मेडल्स थे हमारे पास में। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें, स्पाइस जेट के दोस्तों जो हेड है सिंह, वो अपने शेयर से जो कि बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा वो बात अलग है, ठीक है। उबर ने दोस्तों जोमेटो को भी छोड़ दिया, अपने सारे शेयर जो है वो इन्वेस्टर्स को बेच दिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे सिडबी को लेकर, है ना, सिडबी क्या काम करती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, और इसके हेड है मेरे ख्याल से रमन सिंह जी, रमन जी है जो कि इसके हेड है। तो सिडबी ने दोस्तों क्या बोल रहा है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे आप हो, आपको अगर मान लो बैंक से लोन लेना है या कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने, कुछ भी अगर बैंक से काम है, लोन लेना हो, आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो बैंक आपका क्या देखता है, सिबिल स्कोर देखता है। सिबिल स्कोर दोस्तों आपका बैंक के साथ में कैसा रिलेशन है उसके बारे में आज जानकारी देता है। मान लीजिए आपके साथ में आप हमेशा जितनी भी आपकी पहले इंस्टॉलमेंट गई हो, बहुत ही आपने टाइम पे चुकाई हो, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे दिए हो, बैंक के अंदर आपके रिलेशन बहुत बढ़िया है, रिलेशन मतलब आप रिलेशन सिर्फ ब्रांच मैनेजर से नहीं होते, बैंकिंग के अंदर रिलेशन आपके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट जा रही हो, अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे भी पड़े हो, है ना, आपने कोई FD भी करवा रखी हो कोई जरूरत के टाइम पे, तो अगर मान लीजिए आपने इस तरीके के कर रखा है तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो बहुत ही हाई होगा, आपको लोन जो है वो कम रेट के ऊपर मिलेगा। वहीं पर अगर आपने बैंक से रिलेशन खराब कर लिया, अपनी इंस्टॉलमेंट बाउंस करवा ली, चेक बाउंस करवा लिया, टाइम पे बैंक वाले आपके घर पे पैसे मांगने के लिए घूम रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो कम हो जाएगा, फिर आपको फ्यूचर में लोन या तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में सिबिल स्कोर से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है जो कि पता लगती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई MSME है, कोई कंपनी है, MSME कोई इंडस्ट्री है, उसकी सिबिल स्कोर का क्या, उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसे पता लगेगी, उसके लिए दोस्तों सिडबी क्या कर रहा है, सिडबी भी बोल रहा है
कि मैं भी एक सिबिल स्कोर है जो कि लॉन्च करूंगा एमएसएमई के लिए, ताकि एमएसएमई के बारे में पता लग सके कि इसको लोन कितना देना है कितना नहीं देना, ताकि डिफॉल्टर है जो कि वो ना नहीं हो सके। समझिए मेरी बात। इसी प्रकार से एक फिट स्कोर जो है वह होता है वैसे तो इसका फिट स्कोर, लेकिन उसमें इतने पैरामीटर्स इंक्लूड नहीं होते। तो एमएस सिडबी भी बोल रहा है कि मैं भी क्या करूंगा, इस तरीके का सिबिल स्कोर है जो कि लेके आऊंगा, ताकि फास्टर डिसीजन ले सके हमें लोन किसको देना है किसको नहीं देना उस चीज को लेकर। समझ गए? तो आप देख सकते हैं सिडबी दोस्तों हमारे 4 इंडिया के ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो सिडबी हो गया, एक आपका इंडिया का एक्सिम बैंक हो गया, एक आपका नाबार्ड हो गया, और एक आपका नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। हालांकि नेशनल हाउसिंग बैंक की 51% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, तो आप इसको तो हटाई दो, बाकी 3 जो है ये किसके पास में? आरबीआई के द्वारा चले जाते हैं। ये आपका सिबिल स्कोर है। अगर मैक्सिमम इसमें कहां से 300 से लेकर 900 तक का इसका रेंज होता है, 750 से 900 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो बहुत ही बढ़िया, 650 से 750 गुड है, एवरेज है 550 650, पुअर है 300 से 500। लेट्स से कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो 650 है, 640 है, तो आपको जो लोन किसी मान लीजिए, एक मेरा मान लीजिए सिबिल स्कोर है 800, तो मुझे लोन मिलेगा, मान लीजिए हाउस लोन लेना है मेरे को 8% पे हाउसिंग लोन, वही लोन सेम अमाउंट का सेम सारी चीजें वो आपको 10% पे मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी बैंक के साथ में अपने ट्रांजेक्शन को खराब नहीं करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप दोस्तों 300 को होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको, समराइज करता है आपका कैसा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट रहा है, ईएमआई टाइम पे गई है कि नहीं गई है, लोन कैसे थे पहले, है ना, ये सब चीजें जो है आपका चेक करके आपका स्कोर कार्ड है जो कि आपको अवेलेबल करवाता है। ठीक है गाइस, चलिए बेनिफिट क्या होते हैं अच्छे सिबिल स्कोर रखने के? आपको क्रेडिट इजीली, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लोन इजीली कम रेट पे मिल जाता है, बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इंटरेस्ट कम लगता है ना, मॉर्गेजेस रखने में भी फायदा मिलता है, ये सब है। आपको कई सारी एजेंसीज है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर भी बता देती है, वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एलआईसी को लेकर। एलआईसी के दोस्तों आईपीओ के बाद में आप, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एलआईसी दुनिया के टॉप 100 उन कंपनीज में आ चुकी है जिनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ये जो लिस्ट है ना, इसमें वॉलमार्ट नंबर 1 पर है। अब आप बोलोगे सर वैसे तो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी तो एप्पल है, अमेजोन है, ये सब है। बिल्कुल है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब है ना, 2-3 ट्रिलियन के ऊपर घूम रही है ये लोग, मतलब इंडिया के जीडीपी के बराबर इनकी कंपनी की वैल्यूएशन, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट जारी होती है वो रेवेन्यू के ऊपर होती है कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट करते हो। समझ गए मेरी बात? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं वॉलमार्ट रेवेन्यू बहुत खतरनाक करता है, वैल्यूएशन इतनी होगी क्योंकि पैसा लगाता भी उतना ज्यादा, एक्सपेंडिचर भी उतना है, लेकिन रेवेन्यू बहुत ही खतरनाक है। तो नंबर 1 पे आ गया आपका वॉलमार्ट। एलआईसी दोस्तों देश की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन चुकी है, लास्ट ईयर के अंदर इसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया इंडिया के अंदर, और ये 98 के ऊपर है। रिलायंस आपका 104 पे, इंडियन ऑयल 142, ONGC 190, फिर आते हैं टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट, SBI, भारत पेट्रोलियम, ये सारे के सारे कंपनीज। समझ गए मेरी बात? दुनिया के नंबर 1 जो है, दुनिया में टॉप 10 के अंदर 9 इंडियन कंपनीज है दुनिया के टॉप 500 में, जिसमें से आपकी 4 तो है गवर्नमेंट कंपनीज और 5 आपके प्राइवेट कंपनीज है। सेकंड नंबर के ऊपर चाइना की एनर्जी कंपनी है स्टेट ग्रिड, और वहां की पेट्रोलियम कंपनी सिनोपैक की टॉप 5 के अंदर है। ठीक है गाइस, ऑल राइट, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे, जनसत्ता में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में बात करें तो आरबीआई ने दोस्तों ये बोला है कि ये क्या करेगा, है ना, आरबीआई ने रिलीज किया है कंपोजाइट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ओके, इसके अंदर ये बताएगा कि हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो किस प्रकार की है। आरबीआई ने रिलीज किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ओके, फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, लास्ट जो फाइनेंशियल है ना उसका। इसके अंदर हमारे नंबर तो इंप्रूव हो गए, 2021 के अंदर तो आपको मालूम है कोविड की वजह से हालत खराब थे, तो हमारे पॉइंट थे 53, अभी इस बार लास्ट ईयर के अंदर 56 हो गए हैं, तो इंप्रूवमेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इंप्रूवमेंट और इंडेक्स में सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है, बैंकिंग कैसे थी, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल कैसा, पेंशन सेक्टर, सारे सेक्टर को इंप्रूव देखकर इस रैंकिंग को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है गाइस, हर साल जुलाई के अंदर इसको पब्लिश करी जाती है, और इसको 2021 में डेवलप किया गया था, कोई बेस ईयर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सारे की सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो कि इसमें चेक करके नंबर रिलीज किया जाता है। 97 इंडिकेटर्स इसके अंदर इंक्लूड है जो कि करे जाते हैं। रेंज यहाँ पे 0 से 100 तक होती है, 100 जो है वो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो कि शो करता है। 3 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इसके, एक्सेस कितना है, यूसेज कितना है, और कितनी भी चीज की क्वालिटी
कैसी है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है इसको बनाया जाता है, समझ गए। चलिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं भी सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है ना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं ओएनजीसी के पैरा गेम्स को लेकर। आपको मालूम होगा कि ओएनजीसी ने दोस्तों रिसेंटली फोर्थ पैरा गेम्स जो कि स्टार्ट करे हैं दिल्ली के अंदर। इस पैरा गेम्स के अंदर क्या होता है कि जो भी अपने डिसेबल, जो अपने दिव्यांग है, वो सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर है ना। इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे भी इसके द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं विनबैक्स के बारे में। विनबैक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और वियतनाम के बीच में। बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, थर्ड एडिशन 2022 का करवाया जा रहा है इंडिया के अंदर। ओके, इंडिया की ईस्ट लुक पॉलिसी के अंदर दोस्तों, इंडो पैसिफिक विजन के अंदर वियतनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है। आप देख सकते हैं ये वियतनाम है, आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान है। MTV, MT और V, ठीक है। MTV म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, नीचे कंबोडिया, ऊपर लाओस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ची मिन सिटी, ठीक है, हैनोई जो कि इसकी राजधानी देखने को मिल सकती है। करंट अफेयर की बात करें तो RAS के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए चैनल लॉन्च किया गया है क्लास 24 RAS, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको PDF से लेकर सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पे रेलवे में जाइए, ग्रुप डी में जाइए, उसके बाद में ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न पे आप टेस्ट सीरीज जो कि बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर सकते हैं। आज का कोड ऑफ द डे देखते हैं। आपको मालूम है जो पीनट्स होते हैं ना, जो मूंगफली होती है, उससे डायनामाइट भी बनता है। अब आप बोलोगे सर मूंगफली से और डायनामाइट का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो पीनट्स होते हैं ना, उसमें से एक ऑयल निकाला जाता है ग्लिसरीन, उससे एक और प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है और वो डायनामाइट के अंदर काम आता है। समझ गए मेरी बात? तो आप देख सकते हो ग्लिसरीन काम में लेते हैं जो कि न्यूट्रो, ठीक है, जो कि न्यूट्रो ग्लिसरीन बनाने के काम आती है और ये आपके डायनामाइट का फॉर्मेशन है जो कि करती है। तो इस तरीके से दोस्तों पीनट्स और डायनामाइट का रिलेशन है जो कि देखने को मिलता है। चलिए, आज के अपने इंपॉर्टेंट सवाल 2013 के अंदर पूछा गया दोस्तों, आपको बताना है ना, गांव के अंदर क्रेडिट देने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम आती है। 2013 के अंदर सिविल सर्विसेज में आया हुआ सवाल, आपको यहां पे बताना है अंचिता शुली कौन से खेल से संबंधित है। सबमिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक वायरस के बारे में आपको बताना है, वायरस लाइक पार्टिकल दोस्तों कौन से होते हैं। और साउथ चाइना सी के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर क्लेम करते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। मिलेंगे वापस से 11 बजे वाली क्लास में। थैंक यू।